अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में सऊदी अरबिया की कुछ ज़रूरी एंड अहम खबरें हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी जो है आपको मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज का सबसे पहला अपडेट है हज और उमरा से रिलेटेड। हज और उमरा मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम, ट्यूनेशिया, कुवैत, बांग्लादेश और मलेशिया से आने वाले लोगों के लिए उमरा वीजा ऑनलाइन जारी करने के लिए बायोमेट्रिक नामांकन यानी फिंगरप्रिंट दर्ज करने की शर्त की शुरुआत की घोषणा कर दी है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि इस शर्त का उद्देश्य जो है उन लोगों को आगमन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है जो सऊदी अरब के बंदरगाहों के माध्यम से उमरा करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए डिजिटल अनुभव को सफल करना है। जो लोग उमरा वीजा जारी करने के लिए अपनी उंगलियों के निशान दर्ज करना चाहते हैं उन्हें सऊदी वीजा बायो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, फिर वीजा प्रकार का चयन करना होगा, फिर उन्हें पहचान सत्यापित करने के लिए पासपोर्ट स्कैन पर प्रेस करने की आवश्यकता होती है, फिर व्यक्ति को पासपोर्ट के व्यक्तिगत तस्वीर के साथ जो है मिलान करने के लिए सामने वाले कैमरे से पूरे चेहरे की तस्वीर लेनी होती है और अंत में जो है कैमरे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10 उंगलियों के निशान को स्कैन करना होता है। इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों, एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास श्रम कानूनों और सीमा सुरक्षा नियमों के लगभग 14,133 उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आंतरिक मंत्रालय के अनुसार 24 नवंबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के दौरान राज्य भर में सुरक्षा बलों की विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए संयुक्त क्षेत्र अभियानों के दौरान जो है गिरफ्तारियां की गईं। गिरफ्तारियों में रेसिडेंसी प्रणाली के 8148 उल्लंघनकर्ता, सीमा सुरक्षा नियमों के 3859 उल्लंघनकर्ता और श्रम कानूनों के 2126 उल्लंघनकर्ता शामिल हैं। किंगडम में सीमा पार करने की कोशिश करते हुए अन्य 377 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 51% यमन, 37% जो है यूथोपिया और 12% अन्य देश के निवासी थे। साथ ही 40 उल्लंघनकर्ताओं को सऊदी अरब से बाहर निकालने के लिए सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। रेसिडेंसी और कार्य विनियमों का उल्लंघन करने वालों को ले जाने और शरण देने और कवर अप गतिविधियों में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 50,215 उल्लंघनकर्ता वर्तमान में नियमों का उल्लंघन करने की प्रक्रिया के अधीन है, जिनमें से 47,153 पुरुष और 3,062 महिलाएं हैं। उनमें से 39,855 उल्लंघनकर्ताओं को यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उनके राजनयिक मिशनों के लिए भेजा गया था। 2392 उल्लंघनकर्ताओं को उनके यात्रा आरक्षण को पूरा करने के लिए भेजा गया था और 10,730 उल्लंघनकर्ताओं को निर्वासित किया गया था। आंतरिक मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जो कोई भी राज्य में घुसपैठियों के प्रवेश की सुविधा देता है या उसे परिवहन या आश्रय या कोई सहायता या सेवा देता है उसे 15 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी और 1 मिलियन रियाल का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन और आवास के साधनों की जब्ती के अलावा ये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ लास्ट एंड आखिरी खबर है दोस्तों, सऊदीकरण को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। सरोरा कमिश्नरेट में सऊदीकरण जांच अभियान के दौरान उल्लंघन दर्ज करने वाले 4 दुकानों को नोटिस जारी किया गया। सबक न्यूज के अनुसार राज्य में सऊदी नागरिकों को अनिवार्य रोजगार प्रदान करने पर कानून के उल्लंघन की जांच के लिए जांच समितियां अलग अलग समय पर बाजारों का दौरा करती है। इस संदर्भ में सरोरा आयुक्तालय में सऊदी समिति ने एक वाणिज्यिक बाजार में 15 दुकानों का दौरा किया, जहां 4 दुकान मालिकों को सऊदी के निर्धारित संख्या से कम के लिए चेतावनी नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित कमेटी के अधिकारी का कहना है कि सऊदीकरण को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदीकरण कानून देश में कई वर्षों से लागू है। इस संदर्भ में कई व्यावसायिक क्षेत्र हैं जहां विदेशियों के रोजगार पर सख्त प्रतिबंध है। कुछ वाणिज्यिक क्षेत्रों में 70% सऊदीकरण सीमा निर्धारित की गई है, जबकि यह सीमा उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है जहां सऊदी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। जनशक्ति और जनसंख्या के समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से सऊदी को रोजगार प्रदान करने के लिए किंगडम में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बाजारों और निर्माण क्षेत्रों से संबंधित कंपनियों के लिए सऊदी श्रमिकों को अपने प्रतिष्ठानों में नियुक्त करना अनिवार्य है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का कुछ जरूरी एंड अहम खबरें जो मैं आप
आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में। बाय।